हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिटास तड़का। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर। और फ्रेंड्स, आज जो हम शाही पनीर बनाएंगे उसमें हम लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर नहीं बनाया जा सकता, इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी शाही पनीर आप बना सकते हैं। आज की मेरी वीडियो में आप यही देखेंगे कि किस तरीके से मैंने बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल रिटास तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 5 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च ली है। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़े से हमें यहाँ चाहिए काजू, तो काजू हमने थोड़े से लिए हैं। अगर आप ग्राम से नापें तो ये 25 ग्राम काजू हैं। तो सबसे पहले हम काजू को हल्के से गुनगुने पानी में भिगो देते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इन दोनों का पेस्ट बनाना है। तो इसलिए हमने काजू को 5 मिनट के लिए भिगो दिया है, जिससे कि काजू को पीसने में आसानी हो। तो इन दोनों का पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। जैसे ही कढ़ाई गरम होगी हम इसमें डालेंगे घी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 3 टीस्पून घी का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे बटर या रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ना यूज़ करें। और जैसे ही हमारा घी गरम होगा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। और जीरे को हल्का सा भून लें और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें, जिससे कि जो भी हम इसमें मसाले डालें वो जले ना। तो जैसे ही हमारा जीरा भुनेगा हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को हल्का सा भून लें और बस अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और 5 से 7 मिनट तक हम इसे ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे आप गैस मीडियम फ्लेम पे रखें। तो फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमने टमाटर की प्यूरी डाली थी वो हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर देंगे और फिर से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। गैस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखी थी और अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। और इसे भी मिक्स कर देंगे और बिना ढके हम इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे। तो हमें इसे ढकना नहीं है, पकने देते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है और जो हमने काजू का पेस्ट डाला था वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाले हैं हमारे, जितने अच्छी तरीके से भुनेंगे शाही पनीर की ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ मैं जो दूध की मलाई है वो यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाल देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर से हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक। गैस बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो ग्रेवी है ये हमारी आधी से ज़्यादा पक चुकी है। तो अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 300 ग्राम पनीर है, इसको मैंने इस तरीके से पतले पतले क्यूब्स में काट लिया है। तो फ्रेंड्स, ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पनीर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये है दालचीनी पाउडर। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है शाही पनीर में। तो ये डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक के इस तरीके से पीस कर लेंगे छोटे छोटे लंबे, और ये डाल देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है हल्की सी गाढ़ी लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हाफ कप के करीब, और फिर से इसे मिक्स करके फिर से हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखी थी, तो चेक कर लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे बटर, और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी लेंगे, कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे गरम कर लें और फिर इसे इस तरीके से हाथ से क्रश करके इसमें डाल दें। और बस लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम फिर से इसे बिना ढके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, हमें इसे ढकना नहीं है। तो फिर से पकने देते हैं इसे 2 मिनट तक। तो फ्रेंड्स 2 मिनट तक बिना ढके हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है, और आप देख सकते हैं शाही पनीर बनके हमारा तैयार है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे करेंगे सर्व। और आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी शाही पनीर बना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है, और फ्रेंड्स यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस तरीके से एक बार शाही पनीर बनाएंगे तो आप जब भी दोबारा शाही पनीर बनाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए शाही पनीर बनके हमारा तैयार है। आप इसे खा सकते हैं बटर नान के साथ, राइस के साथ। बटर नान की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।